स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 300 पे 4 आकाश, ये टेस्ट ऑलमोस्ट भारत की तरफ आता हुआ, ये बहुत कमाल का, क्योंकि 70% मेरे विचार में ये भारत के बस्ते में है। खेल आपने टॉस जीत के बैटिंग की, आपने टीम भी वो पिक की थी ये जहन में रखते हुए कि टॉस जीतना जरूरी था। आप दो स्पिनर्स के साथ उतरे हैं, ये ड्रॉप इन पिच नहीं है, ओनली पिच दैट इज नॉट ड्रॉप इन। अगर हम पूरी श्रृंखला को देखें तो फिर यहाँ पे डिटीरियरेशन, जो वेयर एंड टेयर है, वो थोड़ा सा जल्दी होगा, ज्यादा होगा, और चौथे दिन पांचवे दिन गेन टर्न होगा। और आपने कुलदीप यादव को खिलाया, कुलदीप यादव लेग स्पिनर, मिस्ट्री बोलर टू अ सर्टेन डिग्री, मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल होगा उनका चौथे पांचवे दिन। पर वो जो फाउंडेशन बिछाई गई है, जो नींव बिछाई गई है आज, उसने ये कह दिया है कि अब इस मुकाबले में मुझे लगता है सिर्फ दो नतीजे आने वाले हैं, या तो भारत जीतेगा या फिर कहीं बारिश गलती से आ गई तो ड्रॉ होगा। हम एमएसके प्रसाद के साथ बैठ के मैच देख रहे थे और जैसे रन बढ़ता गया वो यही कह रहे थे कि 400 450 बन जाएंगे, उसके बाद कुलदीप कोई डर की सिवा बॉल डालेंगे, वो डर नहीं होगा उनको, उनको फील्ड दिया जाएगा, 3-4 क्लोजिंग मैन, बट उसके लिए आज खासियत चेतेश्वर पुजारा। अरे पुजारा तुमसा नहीं मिलेगा दोबारा भैया, इस जो इस खिलाड़ी की जो क्वालिटी है, जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं, अनुशासन। और अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसको आजकल आज की जो हमारी जनरेशन है वो उसको उतना वैल्यू नहीं करती, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। आपको डायनामिक बैटिंग देखने को मिलती है लेकिन डिसिप्लिन नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका अनुशासन है, आपके पास अनुशासन है, तो आपका शासन हो सकता है, वो आज उन्होंने बता दिया। जो उनकी भूख है रनों की वो समाप्त नहीं होती, जिस तरह से वो हर गेंद को ऐसे खेलते हैं जैसे हिज लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन दैट वन बॉल, और जो उनकी प्रोसेसेस हैं वो बड़ी, जो रणजी ट्रॉफी की भट्टी है उसमें पक के आई है। बहुत जो रन्स बनाए उन्होंने हजारों के हिसाब से, वो जो रन्स हैं उसका लाभ उनको अब यहाँ मिलता है। देखो आकाश, 2014 में अगर आप देखोगे, पुजारा इंग्लैंड में उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज ड्रॉप्ड हो गए थे, नहीं खेल पाए थे, बट वापस आना, ये दोबारा वापस आके 2018 में उस जैसे बैटिंग किया है इंग्लैंड सीरीज में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ड्रॉप होने के बाद, और अभी इट शोज डिसिप्लिन ऑफ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट, ये बहुत खासियत है उनमें। अरे कमाल है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है तो फिर आपका मनोबल टूटता है, और दूसरी बात ये रहते हैं कि आपके प्रदर्शन के ऊपर, आपकी काबिलियत के ऊपर अटकलें होती हैं, सवाल होते हैं कि क्या ये आप इतने अच्छे हैं भी, और फिर ये कंपैरिजंस होते हैं, पैरेलल्स खींचे जाते हैं कि आप 70 की एवरेज घर पर है, आपकी बाहर जाते हैं तो 25 की हो जाती है, फिर आपको खिलाएं क्यों, स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल हुए थे, इस वजह से उनको ड्रॉप भी किया गया। तो अगर उस बैकड्रॉप में आप ये सीरीज देखेंगे, ये सीरीज तो विराट कोहली की सीरीज होनी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि ये चेतेश्वर पुजारा की सीरीज होगी। और हम बात करते हैं कमजोर ऑस्ट्रेलियन टीम की, बोलिंग वही है, बोलिंग विश्व की नंबर वन बोलिंग मानी जाती थी इस श्रृंखला से पहले, अब इंडिया ने शायद उनको आउटडन किया है। तो अगर उनकी बोलिंग वही है, पिचेस वही हैं, उसमें आके वो 3 शतक जड़ते हैं 4 टेस्ट मैचेस में से, सिर्फ एक मैच में उन्होंने शतक नहीं जड़ा, वो मैच भारत हारा। अब जब जब शतक जड़ा है, 2 तो जीत चुके हैं और तीसरे के मुझे लगता है दहलीज पे खड़े हैं। इसीलिए बोला जाता है क्रिकेट, व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट, हू ओनली क्रिकेट नो। बट हम लोग चेतेश्वर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 आखिरी सवाल, मयंक अग्रवाल 3 इनिंग्स 40, 76, 77, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक आए थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, खुद बोला कि मैंने विकेट थ्रो किया है, ये मुझे सिखाएगा, बट दैट हंगर वाज ग्रेट टू सी। और ऐसा होता है, क्योंकि ना ये जो अनुभव है ये सुपरमार्केट में मिल नहीं सकता। अब आप यहाँ पे जब खेल रहे थे, एक्चुअली उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, और उन्होंने एक चौका लगाया, फिर दूसरा चौका लगाया, फिर उन्होंने वो छक्का लगाया, और मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ही इज गेटिंग अहेड ऑफ हिमसेल्फ, कहीं गलत ना शॉट मार बैठे, कहीं आउट ना हो जाए, वैसे ही हुए। लेकिन ये उनकी सिर्फ तीसरी पारी है, यहां से सीखेंगे और बेहतर होते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मेरा एक एक्सपीरियंस ये है, पहले मैच में, पहला दूसरा ही मैच था, वीरू बैटिंग कर रहे थे, मोहाली का मैदान था, क्राउड ने शोर मचाना शुरू किया, वो चौके मार रहे थे, 2 चौके मैंने मारे, और फिर मैंने स्टेप आउट करके एक शॉट मारा, आउट हुआ बाहर, तब रियलाइज हुआ कि मैंने किया क्या है। तो जब उस मोमेंट में आप होते हैं तो आप उतने समझदार नहीं होते, वो समझ ही नहीं पाते कि आपको एक वो जो क्राउड का प्रेशर है, जो कि दे आर नॉट बूइंग यू, एक्चुअली वो दे आर अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग, और आप उस मोमेंटम में चलते हैं कि आपको रोकना नहीं आता। तो वो एक बड़ी सीख मिली है इस बात को, उनके जो खेल को देख के लगा कि शायद वो आउट होने वाले, लेकिन एक बात और लगी है कि टेस्ट सेंचुरी जो उनकी पहली है वो ज्यादा दूर नहीं है। बड़ा सवाल था भारतीय ओपनिंग को लेकर, भारत से बाहर टेस्ट क्रिकेट में, एक जवाब तो उसका मिल गया, दूसरे छोर का जवाब शायद पृथ्वी शॉ के पास है। पृथ्वी शॉ के पास है, वो वापस आएंगे, इनफैक्ट आज सुन रहे थे कि वो अभी रिहैब कर रहे हैं, सो वापस आ जाएंगे, ओपनिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आखिरी सवाल, 300 पे 4, 450, 2
काम तमाम कह रहे हैं कि चौथे पांचवें दिन शायद थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने मेलबर्न में भी कहा था, बहुत बारिश होगी। अगर बारिश ने तंग नहीं किया तो मेरे विचार में मैच पूरी तरह से भारत की गिरफ्त में है। आप डेढ़ सेशन और खेल जाइए बल्ले के साथ। आखिरी बार जब ऑस्ट्रेलिया ने 400 बनाए थे इसी मैदान पे बनाए थे, तब वार्नर स्मिथ खेलते थे, वो एक साल पहले की बात है। तो 400 रन बनाती नहीं है ये टीम, ये 300 सवा 300 की टीम है। आपकी 150 रन की बढ़त अगर मिल गई तो फिर मैच श्रृंखला सब कुछ आपकी मुट्ठी में। 3-1 वो अभी कहे नहीं, मैंने कह दिया आपको। चलिए 3-1 हम सेलिब्रेट करेंगे यहीं पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में।